हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, उनकी नसों में इतना तेज दर्द रहता है। दोस्तों, क्या आप भी बिना दवाई के, बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट के इस समस्या को ठीक करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आप अपने 5 से 6 मिनट मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये 5 से 6 मिनट आपके लिए काफी वैल्यूएबल होंगे, काफी फायदेमंद होंगे। नसों में दर्द, ऐंठन, ब्लॉकेज, खिंचाव व नसों में कमजोरी को सिर्फ 5 दिन में आप ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको इस समस्या को कैसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बताने वाली हूँ। ये जानकारी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये सभी चीजें जो आपको मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, ये नसों में हो रही सभी दिक्कतों को दूर कर देगी। ब्लॉकेज, ऐंठन, खिंचाव और कमजोरी को दूर कर देगी। दोस्तों, ये जानकारी हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता से ली गई है। दोस्तों, नसों का कमजोर होना, शरीर में किसी भी नस में ऐंठन होना आजकल आम हो गया है। इसके पीछे के कारणों की बात की जाए तो डाइट सही ना लेना और शारीरिक मेहनत ना करना है। दोस्तों, ज्यादा स्ट्रेस लेना, नींद पूरी ना होना, एक्सरसाइज नहीं करना नसों की कमजोरी के मेन कारण है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। नसों में ब्लॉकेज ना हो इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन सही से होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे ब्लड का फ्लो अच्छे से हो। इसके लिए अगर आप हैवी यानी कि भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, टाइम निकाल कर सुबह और शाम वॉक तो कर सकते हैं, पैदल तो चल सकते हैं। चलते चलते गहरी सांस लीजिएगा और गहरी सांस छोड़िएगा। ऐसा करने से भी पसीना बाहर निकलता है, आपकी बॉडी हीट में आती है यानी कि गर्म होती है। ऐसा करने से शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए। ये तीनों प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, वे नसों की कमजोरी को दूर करते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें खाने से नसों की ब्लॉकेज दूर होती है। इसके लिए आप वॉलनट यानी कि अखरोट खाइए। ये वॉलनट के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। आपने क्या करना है, आप 2 अखरोट भिगो दीजिए वह सुबह और सुबह शहद के साथ इसका सेवन करें। जब आप अखरोट को पानी में भिगोते हैं तो इसकी गर्मी निकल जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बढ़ जाती है और नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही दूसरी चीज के बारे में, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी दूध के साथ ली जाती है, हल्दी पानी के साथ ली जाती है, लेकिन ध्यान रखिए, पकाकर ली जाने वाली हल्दी किसी भी तरह से नसों को फायदा नहीं देती। यानी कि अगर आप इसे उबाल कर सब्जी में डालकर हल्दी का सेवन कर रहे हैं तो ये कैसा भी फायदा नहीं करेगी, सिर्फ अपना रंग देगी। दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे गरम गरम दूध के अंदर, 1 गिलास गरम दूध ले लीजिए, उसके अंदर आप 1/4 चम्मच हल्दी डालकर सेवन कर सकते हैं, या गरम गरम पानी के अंदर भी 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हल्दी का सेवन किया जाए तो ये नसों की ब्लॉकेज को दूर करती है, नसों को क्लीन करती है। इसके अंदर का क्यूमिन जो है वो दबी हुई नस को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, तीसरी चीज बहुत कारगर है जो कि नसों की ब्लॉकेज को तो खोलती ही है, साथ ही साथ खून को साफ करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है, कैल्शियम को शरीर में बढ़ाती है, वात के रोगों को दूर करती है। दोस्तों, वो चीज है सफेद पेठा। पेठे का जूस पीजिए, इसके अंदर एल्कलाइन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है जो खून को साफ करती है, शरीर में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। हफ्ते में 3 दिन इसका सेवन कर लीजिए। अगर घर में किसी को डायबिटीज की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, थायराइड है, मोटापा है, तो उनके लिए ये जूस बहुत ही फायदेमंद है। जिनके शरीर में जलन होती है, पैरों के तलवों में जलन होती है, गठिया हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, यूरिक एसिड बढ़ता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो दोस्तों उन सभी समस्याओं में सफेद पीठा जिसे एशगॉट कहा जाता है उसका जूस पीना बहुत फायदेमंद है।
तो दोस्तों आज मैंने आपको तीन ऐसी चीजें बताई हैं जो कि नसों की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। उनकी नसों में होने वाली ब्लॉकेज, धमनियों में आने वाली ब्लॉकेज, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या नसें ऐंठन में आना, इन सभी समस्याओं को दूर करती है। अखरोट है, हल्दी है, इसके अलावा सफेद पीठा, आप इनमें से किसी भी एक चीज का सेवन करके बड़े आराम से इन समस्याओं को अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक थी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपकी काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।